हल्द्वानी में हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, उनके जो चोट लगी थी उसका पूरा जायजा लिया। इस वक्त हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी ज्योति जी मौजूद हैं। ज्योति जी, किस तरीके से आपको पूरा चोट लगी, कितनी चोट लगी हुई है? जब हम वहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए थे तो उस दौरान लगातार पथराव हो रहा था। पथराव के दौरान हम अपने बचाव में कई बार साइड में भी रहे, परंतु लगातार चारों ओर से हम वापसी के दौरान अतिक्रमण टूटने के बाद जब हम वापस आने लगे तो उसके बाद हम बाहर निकलने लगे वहाँ गलियों से, तो हमारे हर गली में पथराव हो रहा था हमारे ऊपर। हम अपने बचाव में कभी इस गली कभी उस गली गए, जिस गली में हम जाए उस गली में पथराव हो रहा था। उस दौरान अंधेरा हो गया था, अंधेरे में वो हम पे ज़्यादा हावी हो गए, इस वजह से हम पे ज़्यादा पथराव हो गए। कैसे बची आप? आपके हाथ में बहुत चोट लगी है। हाथों में चोट आई, काफ़ी सारी ईंटें पड़ रही थी। अब बचते बचाते हम जैसे गली से बाहर आए, काफ़ी बाद में डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी चोट आई, हाथ पैरों में काफ़ी चोट आई है, शरीर में काफ़ी चोट आई है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आपसे भी बातचीत करी है, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? हमारी ड्यूटी की काफ़ी हमको अप्रिशिएट किया गया, हमने ड्यूटी अच्छी की है, हम सकुशल वापस आए, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, हमारा काफ़ी हौसला बढ़ाया हमारे CM साहब ने। उनके द्वारा बताया गया है कि मतलब जिस स्तर पर उनसे हमारी मदद होगी। जाहिर तौर पर तो ज्योति काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस हिंसा का दंश झेला जो ड्यूटी करने वहां पर गई थी, लेकिन पत्थरबाजों के चपेट में आ गई, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और मुख्यमंत्री धामी ने इनकी ड्यूटी पर इनकी बहादुरी को लेकर के इनको प्रशंसा भी की है। हल्द्वानी में हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी आज हल्द्वानी पहुँचे, पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, उनके जो चोट लगी थी उसका पूरा जायजा लिया। इस वक्त हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी ज्योति जी मौजूद हैं। ज्योति जी, किस तरीके से आपको पूरा चोट लगी, कितनी चोट लगी हुई है? जब हम वहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए थे तो उस दौरान लगातार पथराव हो रहा था। पथराव के दौरान हम अपने बचाव में कई बार साइड में भी रहे, परंतु लगातार चारों ओर से हम वापसी के दौरान अतिक्रमण टूटने के बाद जब हम वापस आने लगे तो उसके बाद हम बाहर निकलने लगे वहाँ गलियों से, तो हमारे हर गली में पथराव हो रहा था हमारे ऊपर। हम अपने बचाव में कभी इस गली कभी उस गली गए, जिस गली में हम जाए उस गली में पथराव हो रहा था। उस दौरान अंधेरा हो गया था, अंधेरे में वो हम पे ज़्यादा हावी हो गए, इस वजह से हम पे ज़्यादा पथराव हो गए। कैसे बची आप? आपके हाथ में बहुत चोट लगी है। हाथों में चोट आई, काफ़ी सारी ईंटें पड़ रही थी। अब बचते बचाते हम जैसे गली से बाहर आए, काफ़ी बाद में डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी चोट आई, हाथ पैरों में काफ़ी चोट आई है, शरीर में काफ़ी चोट आई है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आपसे भी बातचीत करी है, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? हमारी ड्यूटी की काफ़ी हमको अप्रिशिएट किया गया, हमने ड्यूटी अच्छी की है, हम सकुशल वापस आए, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, हमारा काफ़ी हौसला बढ़ाया हमारे CM साहब ने। उनके द्वारा बताया गया है कि मतलब जिस स्तर पर उनसे हमारी मदद होगी। जाहिर तौर पर तो ज्योति काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस हिंसा का दंश झेला जो ड्यूटी करने वहां पर गई थी, लेकिन पत्थरबाजों के चपेट में आ गई, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और मुख्यमंत्री धामी ने इनकी ड्यूटी पर इनकी बहादुरी को लेकर के इनको प्रशंसा भी की है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 हल्द्वानी।